हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करिन्थियों के नाम, उसका पहला बाब 17वीं से 25वीं आयत तक। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि अंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं। ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो, क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम नजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं दानिशमंदों की दानिश को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दूंगा। कहाँ है दानिशमंद? कहाँ है फकी? कहाँ है इस दुनिया का मुबाहस? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को हमाकत नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना पहचाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि मुनादी की हमाकत के वसीले से ईमान लाने वालों को नजात दे। चुनाचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमज़ोरी आदमियों से जोरावर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो।